सरदार पटेल के आदर्शों विचारों से सीख लेने की जरूरत। यूपी के कौशाम्बी जिले में पहुंचे ही अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री व मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल को कार्यकर्ताओं ने जिले के कई चौराहे पर जोरदार स्वागत किया और फिर पश्चिम शरीरा के बाकरगंज स्थित परिसर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण करने के बाद अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण आधुनिक भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। उन्होंने कहा कि निर्भीकता निडरता के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 देसी रियासतों को आजाद भारत में शामिल करा दिया है। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों और विचारों से सीख लेने की जरूरत है और उनके आदर्शों पर चलकर हम समाज को मजबूती दे सकते हैं। निरंतर देश के प्रधानमंत्री व यूपी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास कर रहा है। आज वहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है, केंद्रीय विद्यालय स्थापित हो चुका है, तमाम विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं। पटेल जी की 145वीं जन्म जयंती के इस अवसर पर आज हम सभी साथी यहां पर एकत्रित हुए हैं, अपना दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज के तमाम प्रतिष्ठित व्यक्ति और इस जनपद की माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष अवध रानी जी और हमारे विद्यालय प्रबंध तंत्र से जुड़े हुए सभी साथी यहां पर संयुक्त रूप से हम इस कार्यक्रम को आज मनाने का काम कर रहे हैं। और मैं इस पूरी सभा की ओर से सबसे पहले मैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। हम सभी के लिए 130 करोड़ भारतवासियों के लिए वो सदैव प्रेरणा के स्रोत रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोकर राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया है, ये आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक प्रेरणा देने का काम करने वाला व्यक्तित्व रहा है उनका। और हमारी पार्टी अपना दल की ओर से हम निरंतर सड़क से लेकर संसद तक यही मांग कर रहे हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने इस पूरे देश का एकीकरण किया, 565 रियासतों का विलय करके अखंड भारत गणराज्य बनाया, उनके गृह मंत्री के रूप में जो उनका आवास था एक औरंगजेब रोड पर, उसे एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में देश की राजधानी नई दिल्ली में विकसित किया जाए।